यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच अचानक शादी की दावत में दिखे सीएम योगी, दुल्हन को दिया ये प्यारा सा गिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। यूपी विधानसभा में हंगामा बरपा हुआ है। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच भी तकरार देखने को मिली। एक तरफ अखिलेश शिक्षा नीति पर, जनसंख्या पर बात करते हुए नजर आए, तो वहीं सीएम योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में उनका जमकर मजाक उड़ाया। कैसे यूपी विधानसभा में इन दोनों दिग्गजों के बीच बहस हुई, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सीएम योगी को देखकर पता चल रहा है कि वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें सीएम योगी दुल्हा दुल्हन के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि विधानसभा में अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाकर हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के नेता भी इस समारोह में नजर आए। समारोह की तस्वीर देखने के बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर ये दुल्हन कौन है जिसकी शादी में सत्ता और विपक्ष के नेता तो पहुंचे ही, साथ ही सीएम योगी भी खास तोहफा देते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को बीजेपी विधायक राजीव तरार की शादी का रिसेप्शन रखा गया। ये दावत यूपी विधानसभा की कैंटीन में आयोजित हुई थी। राजीव तरारा ने कैंटीन में खाने की व्यवस्था रखी थी। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान खुद सीएम योगी भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। इस खास मौके पर सीएम योगी ने ODOP के उत्पाद गिफ्ट के तौर पर दूल्हा दुल्हन को दिए। शादी समारोह में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह पहुंचे थे। विपक्षी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी विधायक राजीव तरारा की 27 जून को शादी हुई थी। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। धनौरा सीट से विधायक राजीव तरारा ने हाल ही में सभी के लिए दावत का आयोजन किया था। वक्त निकालकर तमाम गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल अब आपको वो तकरार दिखाते हैं जो यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हुई। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके आए होते और जिसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो संभवतः इस प्रकार के प्रश्न आप इस सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का, या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे, उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक आप जैसे माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा
जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में ही आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जहां तक शिक्षकों की भर्ती का है, भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी मामले न्यायालय में लंबित नहीं है। हां, जो मामले कुछ भर्ती की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, उससे संबंधित मामले वहां पर लंबित होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं। और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्रावधिक शिक्षा में हो, या व्यावसायिक शिक्षा में हो, या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। और मुझे लगता है बिल पर आपको भी अपनी बात को रखने का और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी अमूल्य सुझाव आएंगे, सरकार उसका स्वागत करेगी। प्रश्न संख्या 11, श्री अखिलेश। माननीय अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था, माननीय मंत्री जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितनों बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक? 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी नहीं संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है।